चलो आज कुछ चीजों को सीखते हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे काम करना है और क्या क्या चीजें करनी है, कैसे डिटेल में समझना है। आज का टॉपिक क्या होने वाला है, इस पहले चीजों को समझो। आज का टॉपिक होने वाला है इंडिकेटर को कैसे परफेक्टली तरीके से यूज किया जाता है, इस चीज को हम समझने वाले हैं। क्योंकि बहुत से लोग ईएमए को तो लगा लेते हैं लेकिन ईएमए को कहाँ पर यूज करना ये पता नहीं होता है। आरएसआई लगा लेते हैं लेकिन आरएसआई को यूज करना कहाँ पर एक्चुअली पता नहीं होता है। फिर आप एमएसडी को यूज करते हो लेकिन वो कैसे यूज करना है आपको पता नहीं होता है। इसके लिए सबसे ज्यादा होता है ये ईएमए हर बार आपको काम नहीं आने वाला, आरएसआई आपको हर बार काम नहीं आने वाला, एमएसडी आपको हर बार काम नहीं आने वाला। एमएसडी का काम करने का तरीका अलग होता है, आरएसआई का काम करने का तरीका अलग होता है, एंड जो ईएमए होती है उसका काम करने का अलग होता है। मैं एक एक करके आपको सारी चीजों को एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा कि कैसे करते हैं और क्या क्या चीजों को किया जाता है। सबसे पहले समझते ही ईएमए का काम क्या होता है। अब एक देखो सिंपल सी बात है, हमेशा एक याद रखने की कोशिश करो, अगर कोई आप ईएमए को यूज कर रहे हो, चलो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आपको दिख जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने हाइड कर लिया, मैंने एक ईएमए लगा लिया। ओके, ये ईएमए हमने लगा लिया, मैंने क्या किया, मैंने बाकी सारी चीजों को हाइड कर लिया है, चार्ट को हाइड कर लिया। अब अगर आप देखते हो तो ये ईएमए कैसे चल रही है, ये ईएमए जो ऊपर चल रही है मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी सी अप मोमेंटम में चल रही है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अप मोमेंटम में चल रही है। जब यही ईएमए आपकी ऐसे फ्लैट होने लगेगी तब ये जो फ्लैट ईएमए हो रहेगी उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, जब ये ईएमए की फ्लैट होगी तो उसे हम बोलेंगे साइडवेज मार्केट आने के लिए रेडी है अभी फिलहाल, इसीलिए ये ईएमए फ्लैट हो रही है। जहां पर आप देखोगे तो ये ईएमए फ्लैट हो रही है। ऐसा क्यों होता है, ये इसीलिए होता है क्योंकि ईएमए फ्लैट हो रही है, इसका मतलब प्राइस का जो मोमेंटम है वो प्राइस का मोमेंटम नहीं बन पा रहा है, प्राइस एक ही जगह पर कंटिन्यूसली कंसोलिडेट हो रहा है, इसीलिए ईएमए हमेशा आपको एक साइडवेज मार्केट की तरह रिएक्ट करेगी। मैं ईएमए को थोड़ा सा फैंसी लगा के रखा हूं क्योंकि जब ये नीचे के साइड में ईएमए ट्रेड करेगी, इसके नीचे प्राइस ट्रेड करेगी तो ये रेड हो जाएगा, एंड ऊपर में ट्रेड करेगी तो ये हमेशा ग्रीन हो जाएगा। आप इसको भी यूज कर सकते हो या फिर प्लेन भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समझने का तरीका क्या होता है, समझने का तरीका ये होता है कि जब कोई भी मार्केट कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स जब ये ट्रेंडिंग फेज में रहेगा, जैसे कि ये अगर ऐसा मोमेंटम कर रहा है कोई स्टॉक, ऐसे ऐसे मोमेंटम कर रहा है, तो ईएमए आपकी कैसे चलेगी, नियर अबाउट इसके आसपास से ऐसी ईएमए चलने लगी ऐसे, तो इसको बोला जाता है ट्रेंडिंग मार्केट, मतलब मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम बन रहा है। यहां पर आप देखोगे इस फेज में, मैं अभी कैंडल्स को ऑन कर लेता हूं, यहां पर आप देखोगे ईएमए क्या चल रही थी, हमारी ईएमए कंटिन्यूअसली कहीं ना कहीं अपसाइड मोमेंटम कर रही थी। जब ईएमए आपकी अपसाइड मोमेंटम कर रही होगी तब जो आपको स्टॉक है या फिर कोई इंडेक्स है वो हमेशा पॉजिटिव मोमेंटम में करता जाएगा, ये ट्रेंडिंग रहेगा। आप देखोगे तो यहां तक मार्केट ट्रेंडिंग था, यहां तक ये एग्जैक्टली मार्केट यहां पर ट्रेंडिंग में था, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में मोमेंटम कर रहा था। यहां पर आप देख रहे हो ना कंपलसरी पिछले लोज को अभी मार्केट तोड़ नहीं पाया, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं अपसाइड मोमेंटम करने के लिए रेडी था। अब अभी अगर फिलहाल आप देखोगे तो मार्केट ने ये जो पिछला एक हाई बना के रखा है एंड जो पिछले लेवल की ये आसपास ये सारे लेवल है कि जहां से मार्केट ने एक बार बाउंस करके ऊपर निकल गया था, अब मार्केट क्या कर रहा है, इसी बीच के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो जो प्राइस का जो एवरेज है ना, मतलब क्या, अगर आप देखते हो ये 18,000 का प्राइस निकल के आ रहा है एंड ये नीचे के साइड में निकल के आ रहा है 17,300 के आसपास, 300 से 350 के आसपास निकल के आ रहा है, मतलब प्राइस इसी के बीच में अंदर ट्रेड कर रही है। तो ये क्या हो जाएगा, जो एवरेज एक प्राइस है ना वो एवरेज प्राइस आपके साइडवेज मार्केट आपको इंडिकेशन देगी कि आप साइडवेज मार्केट कहीं ना कहीं जा रहे हैं। तो ये मैं हमेशा आपको यूज करना चाहिए जब मार्केट ट्रेंडिंग हो, जब मार्केट अगर ट्रेंडिंग होना तब आपकी ईएमए आपको सबसे ज्यादा पैसे कमा के देगी। वही अगर मार्केट साइडवेज में है तो वही ईएमए आपको कंफ्यूज कर करके मार देगी, आपको यहाँ पर कोई भी पैसा कमाने के लिए यूज नहीं होने वाला। तो साइडवेज मार्केट में आपको कोई भी इंडिकेटर ज्यादातर काम नहीं करते हैं, कोई भी चीजें मतलब इंडिकेटर भी काम नहीं करेंगे या फिर आप ऑप्शन बाइंग भी करते हो ना तो भी आपको ज्यादा पैसे नहीं कमाने वाले, आप यहाँ पर ज्यादातर करके लॉस ही करने वाले हो। क्यों, क्योंकि साइडवेज मार्केट में कोई मोमेंटम बनता ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आपको मैं चार्ट पे दिखा देता हूँ, ये साइडवेज मार्केट है, यहाँ पर पैसे बनते ही नहीं है। ये चलो निफ्टी में तो थोड़ा तो मोमेंटम भी हुआ था लेकिन वही अगर हम बैंक निफ्टी में आकर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में देखोगे तो कंप्लीट एक साइडवेज मार्केट है, यहाँ पर पैसे नहीं बनेंगे, ज्यादातर पैसे नहीं बनेंगे, ये हमेशा याद रखना। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि जो ऑप्शन बाइंग होता है ना तो ऑप्शन बाइंग में मोमेंटम बनता ही नहीं है, ऑप्शन बाइंग में मोमेंटम नहीं बनेगा तो आपका पैसा भी नहीं बनेगा क्योंकि मोमेंटम के साथ ही ऑप्शन में मोमेंटम होते हैं। आपको क्वांटिटी को कम कर देना चाहिए जब साइडवेज मार्केट है, मार्केट भले अप जा रहा हो या फिर मार्केट डाउन आ रहा हो लेकिन वो ट्रेंडिंग होना चाहिए। देखो ये ट्रेंडिंग मार्केट है, ये ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा था, मतलब ये में हमारे स्लोपी है, ये देख रहे हो ना ये में स्लोपी है, ये में बता रही कि मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा करेक्शन के मूड में है। तो मार्केट हमें क्लियरली बताता है कि मैं करेक्शन के मूड में हूं या फिर मैं ट्रेंडिंग हूं, भले वो डाउन ट्रेंड में हो भले वो अप ट्रेंड में हो, हमें इजिली ये में बता देगी कि मैं कौन से डायरेक्शन में जाने वाला हूँ। वही अगर आप यहाँ पर यूज करोगे, ये देखोगे ये वाला फेस, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या ये में क्या करी, ये में फ्लैट हो चुकी है, मतलब क्या मार्केट ये लेवल को भी नहीं तोड़ पा रहा है, ये लेवल को नहीं तोड़ पा रहा है, मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज की तरह रिएक्ट करेगा। ये में आपको हमेशा बचाएगी लॉसेस से होने से, ये में हमेशा आपको प्रॉफिट ले कमाओ इससे ज्यादा
आप लॉस कितना कर रहे हो इसमें आपको हमेशा बचाएगी, क्योंकि वो क्लियर आपको बता देगी कि मैं कहीं ना कहीं साइडवेज में हूँ, तो अगर आपको यहाँ पर पैसे कमाने हैं तो आपको क्वांटिटी को कम कर जाना चाहिए, आपको ये मैं हमेशा बताएगी। तो ये मेरे को कब यूज करना है कमेंट डाउन आप लोग कमेंट कर सकते हो, ये मेरे को कब यूज करना है, ओनली इन अ ट्रेंडिंग मार्केट। आरएसआई, आरएसआई को कैसे ट्रेड किया जाता है इस चीजों को समझते हैं, आरएसआई कहां पर यूज करना है ये चीजों को समझते हैं। आरएसआई आपको हर बार यूज नहीं आने वाला है, जैसे ईएमए का काम करने का तरीका अलग होता है, आरएसआई का काम करने का अलग तरीका होता है, एमएसडी का अलग तरीके से होता है। तो हमेशा चीजों को समझ कर ट्रेड करना चाहिए। एमएसडी ज्यादातर करके लोग यूज नहीं करते, लेकिन ये दोनों जो है आरएसआई और ईएमआई ये हमेशा हम यूज करते, तो इन दोनों के बारे में डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। अब आप मुझे बताओ कि आरएसआई को एग्जैक्टली कब किया जाता है, पहले मैं बताने से पहले इस वीडियो को पॉज कर लो आप लोग एंड मुझे कमेंट कर दो फटाफट करके कि आप कहां पर आरएसआई को परफेक्टली यूज किया जाता है। मैं आपको एक सिंपल तरीका बता दूं आरएसआई का, जब आप नए इसको लगाओगे तो ये ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ रहेगा, लेकिन मुझे ये ईएमए कोई जरूरत नहीं इसके लिए। फिर मैं आरएसआई को थोड़ा सा ग्रीन कलर में कर देता हूँ, थोड़ा सा उसका साइज बढ़ा देता हूँ एंड मुझे बैकग्राउंड का जो कलर है उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने इसको कर दिया 60, मैंने इसको कर दिया 40, ओके ये इतना बन गया मेरे लिए। अब मेरा आरएसआई मुझे कब काम करता है, आरएसआई को कभी भी हर समय देखने की जरूरत नहीं, आरएसआई को ओवरबॉट ओवरसोल्ड, मैं ओवरबॉट ओवरसोल्ड को भी आरएसआई को नहीं देखता हूं। मैं आरएसआई तभी ज्यादातर चीजों को देखता हूं जब ये मुझे प्रॉपर तरीके से बताता है कि डायवर्जन आपको बताएगा। डायवर्जन का मतलब क्या है ये चीजों को समझते हैं पहले। देखो डायवर्जन का मतलब होता है कि आरएसआई मतलब क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है ना आपका उसको एंड प्राइस को दोनों का एक एवरेज करके आपको चीजें बता देता है, लेकिन उसका एक जो इंपॉर्टेंट काम है ना वो मुझे पता है, मैं उस आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आरएसआई आपको क्या बताता है हमेशा कि जो वॉल्यूम बन रहा है ना मार्केट में, अगर आपका मार्केट यहाँ पर देखो, अगर आपका मार्केट आपको बोल रहा है मैं ऊपर जा रहा हूँ यहाँ पर तक पहुंच चुका है, लेकिन आरएसआई अगर ऐसा निगेटिव में जा रहा होगा तो क्या हो जाएगा, आरएसआई कैसे जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा यहाँ पर कहीं ना कहीं नीचे चलाएगा। मतलब क्या बताएगा आपको कि प्राइस तो ऊपर जा रही थी लेकिन आरएसआई नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसमें जो बायर्स थे ना, जो वॉल्यूम रहा था ना जो ऊपर लेके जाने वाला, वो वॉल्यूम कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम होते हुए जा रहा है एंड मार्केट यहाँ से थोड़े से नीचे आने के चांसेस, क्योंकि यहाँ पर बायर्स कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश कर रहा है, मतलब वॉल्यूम कम कर रहा है। वॉल्यूम का जो और प्राइस का जो एवरेज होता है ना वो हमें शो करता है आरएसआई। यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं, अब ये एग्जांपल पे जाकर आप देख सकते हो आरएसआई का नेगेटिव डायवर्जन भी दिखा रहा होगा, ये दोनों प्राइस सेम चल रही थी, यहाँ पर आप देखोगे तो प्राइस दोनों सेम है लेकिन आरएसआई को क्या दिखा रहा होगा, नेगेटिव दिखा रहा होगा। मुझे देखने की जरूरत ही नहीं, हमें आरएसआई पहले ही बता दिया, यहाँ पर आप देखोगे तो ये प्राइस तो सेम चल रही है एग्जैक्टली, लेकिन आरएसआई देखो ये देखो आरएसआई क्या बोल रहे हैं, हमें आरएसआई क्लियर बता रहा था कि मैं कहीं ना कहीं नीचे जा रहा हूं, ये लो और ये हाई और ये हाई देख लो, आरएसआई में क्लियरली बता देगा। हमेशा आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। यहां पर आप देखो जब भी मार्केट ऐसे मोमेंटम में है कि मार्केट ये लेवल को ब्रेक भी करता है वापस ऊपर आ जाए, देख लेना आरएसआई को क्या बता रहा होगा। आरएसआई आपको पहली, आरएसआई तो बाद में बनेगा, लेकिन यहां पर भी पॉजिटिव डायवर्जन दिखा रहे हैं, पॉजिटिव डायवर्जन दिखा रहे हैं। प्राइस क्या बोल रही थी यहां पर हमें, मैं नीचे जा रहा हूं, आरएसआई में क्या बता रहा है मैं कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा हूँ। मतलब क्या है, जो सेलर की कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पावर थी नीचे लेके आने की वो कहीं ना कहीं कम पड़ रही है एंड बायर कहीं ना कहीं इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। दिस इज द सिंपल फंडा। तो जित आरएसआई को तरीका होता है, आरएसआई आपको बस एक निगेटिव और पॉजिटिव डायवर्जन दिखाएगा जहां से प्राइस रिजेक्ट हो सकती है, ये चीज दिखाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो प्राइस तो फ्लैट चल रही थी, लेकिन अगर आप आरएसआई को देखोगे तो आरएसआई निगेटिव में चल रहा था। ये ऐसा क्यों होता रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बायर्स निकल रहे जो उसका वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कहीं ना कहीं कम होने लगता है, तो वो रिफ्लेक्शन हमें आरएसआई में दिखा। आरएसआई आप यूज करोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको हर बार यूज नहीं करना, ये हमेशा चीजों को यूज करो, हर बार नहीं यूज करना है, बस उसको डायवर्जन के लिए यूज करोगे तो आपको काफी बेनिफिशियल रहेगा वो। लेकिन वही तो चीजें समझने वाले लोग क्या करते हैं, आरएसआई लगा कर रखते हैं एंड हर समय आरएसआई को देखते हैं, ऐसा नहीं है। ईएमए को भी देखना पड़ेगा, ईएमए को अलग तरीके से देखना पड़ेगा, आरएसआई को अलग तरीके से देखना पड़ेगा। यही चीजें होती है जो समझने वाली होती है मार्केट में एंड लोग वही समझ नहीं पाते। यहाँ पर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, प्राइस क्या बोल रही थी, ये हाई को ब्रेक करके प्राइस ऊपर जा रही थी, लेकिन आरएसआई क्या बोल रहा था देख लो, आरएसआई बोल रहा था मैं नीचे जा रहा हूँ। हमें पता कैसे चलेगा ये आरएसआई, हमें पहले आरएसआई तो चलो मैं बोलता हूँ प्राइस ना आपकी नियर अबाउट यहाँ पर आते आते आरएसआई आपको इंडिकेशन दे ही देगा कि मैं कहीं ना कहीं नीचे जाने वाला हूँ, लेकिन जब आप प्राइस को फॉलो करते हो ना, तो मेरे लिए क्या है ना, मैं प्राइस को फॉलो करने के लिए ट्राई करता हूँ। देखो ये जो लेवल है मेरा पिछला, ये लेवल कहीं ना कहीं मेरे लिए रेजिस्टेंस का ही काम करने वाली थी, ये मुझे पहले से पता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है क्योंकि ये रेजिस्टेंस की तरह हिट करने वाला था। आरएसआई आपको भले ही बता रहा है, आरएसआई बता भी रहा था आपका, लेकिन मुझे मेरे प्राइस पे ज्यादा ट्रस्ट है, तो मुझे प्राइस पे ज्यादा ट्रस्ट है क्योंकि यहां पर अगर मार्केट आएगा तो कहीं ना कहीं डाउन मोमेंटम यहां पर आएगा, तो रेजिस्टेंस पहले सपोर्टर काम कर रहा था, अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, मार्केट नीचे जाएगा। प्राइस अगर समझते हो ना तो इंडिकेटर की आपको जरूरत नहीं लगती, लेकिन अगर आपको प्राइस समझने में थोड़ी डिफिकल्टीज हो रही है ना, तो आप इंडिकेटर का भी सपोर्ट ले सकते हो ताकि आपको चीजें समझ में आएगी। तो होप आप आज के वीडियो में कुछ आपको
कंटेंट मिला होगा, कुछ बहुत अच्छा कंटेंट मिला होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक एंड कमेंट शेयर करके जाना, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कितने कंटेंट वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर आपका सपोर्ट बनता है तो बहुत ऐसे वीडियोस बनाने की मैं कोशिश करूंगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।